हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं ओल्ड गोवा, जहाँ पे संत जेवियर का वहाँ पे क्या कहना शव को वहाँ पे रखा गया है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग गोवा में हैं फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग को नॉलेज नहीं है कि यहाँ पर जा रहे हैं, कैसे जाएँगे। तो यहाँ पर हम लोग का एक ठो भाई है, भाई कहना चाहिए, साउथ अफ्रीका में रहता था, अभी यहाँ पे आ गया है, मतलब आया हुआ गोवा में है। तो हम लोग का गाइड वही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऐसा लगता है यहाँ पे सभी लोग क्रिश्चियन है फ्रेंड्स। तो मतलब हर गली हर चौबारा में कहीं भी जाओ फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपको ग्रोटो या फिर ये आपको चर्च देखने को मिल जाएगा। तो आज लास्ट दिन है, तो आज हम लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी जाने का तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ हमारे साथ में है यहाँ के ब्रदर हैं फ्रेंड्स, ये इधर के झारखंड साइड के रहने वाले हैं। हाय माय फ्रेंड्स, आई एम नॉट ब्रदर बट आई एम रिटायर्ड वन, सो प्लीज़ डोंट मिस अंडरस्टैंड। एंड व्हाट आई हैव टू टेल इज जस्ट वील गो अराउंड इन द गोवा एंड वील इंजॉय द सेंट जेवियर वेर इट इज़ नो द हिज बॉडी इज देयर एंड देन वील सी देन बिकॉज सम ईयर्स आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स दे ब्रिंग 2 or 3 years later, then we see his body. Then please subscribe his channel, channel and support him so that awesome. You can also continue always to see his channel. Okay. And inside also they don't allow to shoot the bodies and those things. In the church also they don't allow the camera, so we couldn't take. So please understand. Okay. Thank you. तो फ्रेंड्स, अंदर में शॉटिंग करने तो नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जाएंगे, जितना हो सके मैं अपनी तरफ से दिखाने का कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे प्लीज कंटिन्यू बने रहिएगा। ये हम लोग का किचन, इधर ऐसे रोटी सब बनता है, रोटी सेक रहे हैं। तो अभी थोड़ा देर में ही हम लोग निकलेंगे, तो वीडियो पे बने रहिएगा। फ्रेंड्स, रोटी खा रहे हैं, आओ भी अभी तो बन रहा है और अभी खा रहे हैं। तो अब बढ़िया से अच्छी अच्छा से ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो हम लोग जाएंगे यहाँ से 4-5 लोग ही। तो इधर ये गाड़ी है ब्रदर का, तो अभी उसी में हम लोग जाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल चुके हैं, अभी रास्ते में हैं। अभी यहाँ से पणजी जाएंगे, पणजी से फिर ओल्ड गोवा फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर ये चर्च है और इधर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, पूरा वाइट कलर में। और इसे हर गली में ऐसे हर और हर चौराहा में ऐसे ही चर्च देखने को मिल जाता है। और इधर ये गोरोटो भी देखने को मिलता है फ्रेंड्स, ऐसे ही वाइट में रहता है, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। इधर का हर मतलब हर जगह में देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इधर गोवा पहले जो आए हुए हैं उनको तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से पता होगा इधर कैसे है क्या है। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग इधर ओल्ड गोवा पहुँच गए हैं। इधर अभी ये जो चर्च गेट के सामने में जो मेला लगा है, तो इधर ही अभी हैं, तो अभी भीड़ भी इकट्ठा हो रही है धीरे धीरे। अभी तो इतना भीड़ नहीं है फ्रेंड्स, अभी धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा ही हो ही रहा है। तो अंदर में भीड़ है, इधर बाहर में मेला लगा है, इधर अभी तो उतना भीड़ नहीं है। वैसे बहुत भीड़ होता है इधर, बताते हैं फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग मेला से फिर आगे जाके अंदर घुसने वाले हैं। और अंदर तो उतना शूटिंग करने नहीं देते हैं फ्रेंड्स, फिर भी बहुत कुछ दिखाने का कोशिश करूँगा। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। हम लोग अभी अंदर आ गए हैं फ्रेंड्स, तो इधर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और एरिया भी बहुत ज़्यादा बड़ा स्थान में है। तो फ्रेंड्स, इधर भीड़ थोड़ा कम ही लग रहा है और उधर लाइन में लगे हुए हैं अंदर जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, बहुत लंबा लाइन है, हम लोग अभी तो नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। और अभी हम लोग फ़िलहाल तो म्यूजियम के साइड में जाएंगे, उस साइड म्यूजियम है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। इधर ऐसे लाइन लगाना पड़ता है फ्रेंड्स, सेंट जेवियर का शरीर उधर रखा गया है उसको देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम के साइड में,
इधर भी बहुत भी पुराना पुराना मतलब सामान है और भी मतलब यादगार चीज़ें इधर रखा हुआ है फ्रेंड्स। तो चलिए दिखाता हूँ क्या क्या है इधर। संत फ्रांसिस असीसी का मठ है, मतलब उसको यहाँ दफनाया गया है और उसी के नाम से ये चर्च बना है फ्रेंड्स, संत फ्रांसिस असीसी चर्च, और उसका मठ यहाँ पे मतलब उसको दफनाया गया है फ्रेंड्स। इधर लेफ्ट साइड में फ्रेंड्स, इधर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है और अंदर में शूट नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो उधर हम लोग नहीं जा रहे हैं। ये इधर राइट साइड में इधर चर्च है, तो इधर ही
और इधर फ्रेंड्स इधर उस टापू में जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो हम लोग इधर बोट से हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो उधर गाड़ी सभी को भी इसमें लेके जाते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं कैसे गाड़ी को इधर बोट के अंदर में डाला गया है, फिर उस बोट से उस पार जाते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग भी उधर ही जा रहे हैं, देखते हैं क्या है उधर में। तो फ्रेंड्स वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। तो धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी। Yeah.